अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है फरहान सिद्दीकी और मैं हूँ पाकिस्तान से। और मेरी बड़ी तमन्ना और इच्छा थी कि मैं इंडिया को देखूँ, विज़िट करूँ। और बिल्कुल मैंने यही सुना हुआ है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों सेम है, घर वगैरह सारा कुछ सेम है, बस थोड़ा सा ये आप कह लें मीडिया ने थोड़ा सा ख़राब किया हुआ है इंडिया और पाकिस्तान को आपस में। तो अभी आज मैं रिएक्शन वीडियो बना रहा हूँ ये दिल्ली के बारे में, और ख़ुद मैं लाहौर से हूँ तो दोनों को कंपेयर करूँगा कि क्या क्या डिफरेंस है दोनों में, और ख़ुद भी देखूँगा कि दिल्ली किस तरह का शहर है और क्या क्या यानी फ़र्क है इन दोनों शहरों में। तो चलें आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अभी हमारे साथ है हसान सिद्दीकी और इनका भी न्यू चैनल है, उस पर आपने वीडियो ज़रूर देखनी है, उसमें ये चैलेंजेस वीडियोस लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू ऑल। और आज हम देखने वाले हैं रिएक्शन, हम देंगे अपना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, कुछ हम एक्सप्लोर करेंगे इंडिया को और देखेंगे कि क्या क्या दोनों मुल्कों में अहम अहम और चीज़ें और अच्छी अच्छी चीज़ें। तो अभी ये वीडियो हमारे सामने आई है, 1.2 मिलियन व्यूज़ हैं इस पे, और देखते हैं कि इसमें क्या दिल्ली के बारे में। तो किसी मूवी का शॉट लग रहा है। ये कोई टेंपल लग रहा है मुझे यहाँ का, ग्रीनरी काफी है वैसे दिल्ली में, बिल्डिंग्स हैं काफी। फोर्टीन गेट्स हैं दिल्ली में। अच्छा, ओनली भाई टेंपल इन एशिया। ये न्यू दिल्ली है थी। अच्छा, इनका स्टेडियम है, काफी अच्छा लग रहा है देखने में। ट्वेल्व लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क, इनकी मेट्रो है। अच्छा, यहाँ पे ऑरेंज लाइन ट्रेन है। ये कोई इनका मशहूर टेंपल होगा। काफ़ी बड़ा शहर लग रहा है, कैपिटल सिंस 1911। अच्छा, ये इंडिया का कैपिटल है दिल्ली। चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी रेट्स इन द कंट्री। अच्छा, एरो सिटी दिल्ली। अच्छा, काफी मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, न्यू दिल्ली। ये मॉल्स हैं यहाँ के और ट्रेन स्टेशन वगैरह, खान मार्केट दिल्ली। काफी साफ सुथरा लग रहा है वैसे तो देखने में। वाओ, ये फाउंटेन शो इनका। अच्छा, ये कोई मॉस्क है, ये मॉल लग रहा है, ये मॉल है। Thank you.
इसकी ना थोड़ी सी वॉल्यूम है। अच्छा, तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा है शहर दिल्ली। जैसा हमने सोचा हुआ था कि ओल्ड बिल्डिंग्स होंगी, ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी काफ़ी जो है तरक्की वगैरह हुई हुई है और काफ़ी पॉपुलेटेड मुझे लगा है। तो अभी देखते हैं यहाँ से लाहौर की भी। मैं देख लाहौर की ये है, काफ़ी फेमस है, 2.3 मिलियन व्यूज़ हैं इस पर। ये देखते हैं हम, ये है हमारा शहर लाहौर जहाँ से हम हैं, और देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा पॉपुलेटेड है। ये यहाँ की बादशाही मॉस्क है, उसके पास का ये दिखा रहे हैं इस पर। वीडियो में अगर देखेंगे तो ऐसे लगेगा दिल्ली और लाहौर बिल्कुल सेम सेम लगता है। ये बादशाही मॉस्क है यहाँ की। दिल्ली में भी मॉस्क है बादशाही मॉस्क की तरह ही, उसका नाम मुझे जहन में नहीं आ रहा, वो आप कमेंट में बता दीजिएगा। ये मीनारे पाकिस्तान है। ग्रेटर इकबाल पार्क, ये यहाँ की है ऑरेंज लाइन ट्रेन। अच्छा, मैंने खुद वैसे कभी ऑरेंज लाइन ट्रेन में जो है सफर नहीं किया, वो भी किसी दिन हम करेंगे। इधर वैसे बहुत रश होता है वीडियो में अभी कोई रश नजर नहीं आ रहा। अच्छा, इंडिया में भी ऐसी ही कोई ट्रेन थी ऑरेंज लाइन ट्रेन की तरह ही। ये बहरिया टाउन है, बहरिया मॉस्क, ग्रैंड जामिया मॉस्क भी कहते हैं इसे। ये आईफल टावर है, देखें हमारा खुद का आईफल टावर भी है गाइस, ये ओरिजिनल वाला। जो इसका रेप्लिका है वो पेरिस में है। मेट्रो बस है यहाँ पे, सफारी पार्क। ये बहरिया टाउन का है मिनी सफारी पार्क, इसके अलावा बड़ा सफारी पार्क भी है लाहौर। अच्छा, दिल्ली के उसमें कोई जू नहीं दिखाया वीडियो में, काफ़ी शॉर्ट वीडियो थी वो दिल्ली की। ये काफ़ी, ये डबल आई है, 8 मिनट्स की है वो, 4 मिनट्स की थी। ये वजीर खान मॉस्क है, तुम गए हो यहाँ? हाँ गया हूँ इधर मैं। ये दिल्ली गेट है। अच्छा, मैंने सुना है जिस तरह दिल्ली गेट लाहौर में, इसी तरह दिल्ली में लाहौरी गेट भी है। यहाँ की ऐसी रोड है। ये बताओ, ये बागे जिना है। ये लाहौर म्यूजियम है यहाँ का। ऐसी बिल्डिंग इंडिया में भी देखी थी, इंडिया में भी ऐसी बिल्डिंग्स थी, घर वगैरह भी थी बिल्डिंग में, क्योंकि ये एक ही खिता था। ये हमारा लाहौर, ये शीश महल है यहाँ का शाही फोर्ट में। मोती मस्जिद, ये शालीमार बाग है।
ये दाता दरबार है। अच्छा इसका ये मैं कभी नहीं देखा वापडा हाउस, माल रोड पे है वैसे, बाहर से ही देखा हुआ, अंदर से नहीं कभी देखा हुआ। रेस कोर्स पार्क ये भी हमने देखा हुआ है। नौ लखा, अच्छा ये वहीं पे शाही मॉस्क में ही, शाही मॉस्क में कह रहा हूँ सॉरी, दाता दरबार में। गुरुद्वारा देहरा साहब ये भी देखा हुआ है, और इसे आप जानते ही होंगे वाघा बॉर्डर और अटारी बॉर्डर भी इसे कहते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ये यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब है। यूनिवर्सिटी ऑफ टिकटॉक, ये इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है लाहौर का। ये मुझे लग रही है नेशनल यूनिवर्सिटी, नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम, ये एयरपोर्ट के पास है, ये भी देखा था। ये रेलवे स्टेशन है, इंडिया भी जाती थी पहले मेरे ख्याल से ट्रेन, और इंडिया से आती भी थी। ये कजाफी स्टेडियम है, अच्छा इंडिया का मुझे स्टेडियम काफ़ी अच्छा लगा है, दिल्ली का टॉम्ब ऑफ अनारकली, टॉम्ब ऑफ जहांगीर। ये झल्लो पार्क है, दाए ये नहीं देखा, ये रात का मंजर है लाहौर का, लाहौर की ब्यूटी। वीडियो एंड हो गई है, तो हमने दिल्ली भी देखा और लाहौर भी, काफ़ी हमें सिमिलर लगे हैं। और जैसा मैंने वैसे सोचा था, मुझे नहीं पता था कि दिल्ली में इतनी ज़्यादा तरक्की हो चुकी होगी, काफ़ी बिल्डिंग्स वहाँ की मुझे एडवांस लगी हैं, और रोड्स वगैरह, और काफ़ी मुझे ना यानी एडवांस सिटी लगी है, और वैसे भी वो कैपिटल है इंडिया का तो क्यों नहीं होगी। तो लाहौर से भी वैसे काफ़ी सिमिलर है, आपने लाहौर नहीं देखा होगा इसी तरह हमने दिल्ली नहीं देखा हुआ, तो लाहौर में भी काफ़ी इस तरह बिल्कुल काफ़ी सिमिलर कह सकते हैं हम दिल्ली जैसा है। और बाकी आप बताएं आपके क्या रिव्यूज़ हैं इस बारे में। मुझे दोनों सेम लगे हैं सिटी, काफ़ी आर्किटेक्चरल आप देखें तो बिल्डिंग सेम है, रोड सेम है, तो सेम है, सिमिलर लगी है मुझे दिल्ली। और वैसे भी हमारी वो फिरोजपुर रोड जो है वो इंडिया में जाती है, फिरोजपुर रोड फिरोजपुर जाती है, इंडिया में है फिरोजपुर, और ये वाघा बॉर्डर से भी इंडिया जा सकते हैं। बाकी मेरी तो काफ़ी ख्वाहिश है कि काश ये बॉर्डर जो है ये खुले होते दोनों मुल्क के लोगों के लिए, ये तो मीडिया ने ही बातें फैलाई हुई हैं दोनों के यानी बीच में, तो मेरी तो शुरू से यही ख्वाहिश थी कि काश मैं जा सकता इंडिया और इंडिया के लोग भी पाकिस्तान आ सकें, यहाँ की ब्यूटी देखें। ये बिल्कुल गलत लोगों ने बातें फैलाई हुई हैं, स्पेशली मीडिया ने, तो ये यूट्यूब के ज़रिए ही जो है दोनों मुल्कों का प्यार ये बढ़ सकता है। तो इस चैनल की यही आप कह लें मेन फोकस है कि मैं आपको पाकिस्तान दिखाऊंगा और साथ साथ हम इंडिया के भी शहर, मशहूर शहर देखेंगे और दोनों के कंपैरिजन करेंगे। बाकी गाइस इस वीडियो को आपने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, और हसन सिद्दीकी का जो है चैनल है चैलेंजेस का, उस पर इन्होंने वीडियो डाली है न्यू, तो उसको अगर भी आपने वो नहीं देखा देन यू आर मिसिंग आउट गाइस, तो उसमें हम इन्हें हरा के बड़े मज़े के इनको चैलेंजेस देंगे, तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस होंगी, तो आपने वो ज़रूर देखना है।
और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर कर देना है। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए अपने भाई को इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपका भाई फरहान सिद्दीकी, अल्लाह हाफिज़।